हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमरा। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे मैजिक ऑफ नंबर्स बुक क्लास थर्ड, जिसका लेसन 9 का नाम है नंबर्स यानी कि संख्याओं। इसका सलूशन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स, यानी इसके समतुल्य हमें क्या करना है, नंबर्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए 4, तो इसके समतुल्य हमें नंबर लिखना है 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि एक नंबर हमें रोमन में लिखा है, एक देवनागरी लिपि में, और एक ये हो जाएगा इंटरनेशनल नंबर्स। उसके बाद XL, ये हुए 40। जब इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। नेक्स्ट 50, तो इसको इस तरीके लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर्स में, तो इसको लिखेंगे 50। इसी तरीके 35, यहाँ पर 35 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 3x बना लेंगे इस तरीके से, और उसमें b ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके 21, तो 21 के लिए हम लोग 2 बनाएंगे और 1, ये हो गया इंटरनेशनल नंबर्स। और उसका रोमन नंबर के लिए 2x बनाएंगे और एक i। उसके बाद 30, क्योंकि ये रोमन में लिखा है तो इसको इंटरनेशनल में इस तरीके से लिखेंगे, और हिंदी यानी देवनागरी लिपि में इस तरीके से। लास्ट बचा है 42। 42 को हम लोग इसको लिख लेंगे एल से पहले XL और 2i, ये रोमन में हो गया। अब इसको लिखेंगे देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, 4 हो जाएंगे और 2। तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच दी करेक्ट पेयर्स, यानी कि हमें मैच दी करेक्ट पेयर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को मिलाएंगे। तो 4 अगर देखा जाए रोमन में, एक तरफ इंटरनेशनल नंबर्स लिखे, एक तरफ रोमन नंबर्स, तो इंटरनेशनल नंबर 4 को रोमन नंबर से इस तरीके से मिला देंगे। 25 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोमन नंबर में इस तरीके से मिलाएंगे यानी XXB। 34 के लिए हमें सीधा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद 44 के लिए हमें XL इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, IB। 49 के लिए हमें इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, यानी कि ये मैच दी फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, यानी इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा कलर्स चेंज कर लेते हैं। रोमन नंबर्स में 12 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स बनाएंगे यानी कि, और 2i। 27 के लिए लिखने के लिए हमें 2x, एक b और 2i। 39 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, l लिखेंगे, उससे पहले x लिखेंगे, उससे पहले i लिखेंगे। 41 लिखने के लिए हम लोग l लिखेंगे और x पहले बनाएंगे और i बाद में। 48 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, l लिखेंगे, उससे पहले 2i बना देंगे यानी 2 कम हो जाएंगे, l 50 होता है। तो इस तरीके से पार्ट तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमें देवनागरी लिपि में लिखना है, देवनागरी लिपि यानी हिंदी लैंग्वेज में। तो 9 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद 15, तो 15 के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और 30 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 30 हो जाएगा। 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 45 हो गया। 50 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 इस तरीके से, ये
50 लिख लेंगे, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।